हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी आना। मैं सौम्या सिंह। आज हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा केक बनाने जा रहे हैं। पहले हम व्हिप क्रीम का काम करेंगे और उसके बाद फॉन्डेंट वर्क करने वाले हैं, यानी सेमी फॉन्डेंट केक बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने 7 इंच का केक टिन लिया है, ऑयल लगा दिया है, बटर पेपर को सेट कर दिया है। केक बेस बनाने के लिए हम प्रीमिक्स का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ मैंने एगलेस प्रीमिक्स लिया है। मार्केट में या ऑनलाइन आपको आसानी से मिल जाएगा। और अगर आप प्रीमिक्स से बेस नहीं बनाना चाहते हैं तो आप मैदे से बना सकते हैं, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो सबसे पहले मैंने प्रीमिक्स में पानी डाल दिया है, दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और कुछ इस तरह का बैटर बनकर तैयार हुआ है। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे, तो यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है और इसके बाद एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पैकेट के पीछे क्वांटिटी दी रहती है। यहाँ मैंने 7 इंच के लिए 350 ग्राम यानी 350 ग्राम प्रीमिक्स का यूज़ किया है। तो बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर आप वैनिला की जगह पाइनएप्पल या कोई और फ्लेवर देना चाहते हैं तो इसमें एसेंस ऐड कर सकते हैं। वैसे इस प्रीमिक्स में वैनिला एसेंस ऐड होता है। तो अब इसे हम केक टिन में डालेंगे। आप इस केक को कढ़ाई, कुकर या अवन में बेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बैटर को डाल दिया है, ऊपर से इवन कर दिया है और इसके बाद टैप कर रहे हैं। यहाँ हम इसे अवन में बेक करेंगे 170 डिग्री पर। लगभग 35 से 40 मिनट में ये बेक हो जाएगा। अगर आप कढ़ाई में कर रहे हैं तो लगभग 40 से 45 मिनट लग सकता है और मीडियम फ्लेम पर आपको इसे बेक करना है। तो यहाँ जो केक है ये बेक हो चुका है और इसे मैंने 20 से 30 मिनट ठंडा कर लिया है। केक जब भी आप बेक करें पहले उसे आधा घंटा ठंडा करें और उसके बाद ही केक टिन से निकालें। तो साइड से मैंने चाकू से क्लीन कर लिया है और यहाँ हम इसे केक टिन से निकाल लेते हैं। तो केक बेस बहुत ही बढ़िया बना है और कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। प्रीमिक्स से जो केक बेस बनता है आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बटर पेपर को निकाल देते हैं और इस केक को हमें लगभग 3 से 4 घंटा बढ़िया से ठंडा करना है और उसके बाद ही हम आइसिंग करेंगे। तो केक ठंडा हो चुका है, केक को हमें काटना होगा। तो ये हल्का सा ऊपर से उठा हुआ है तो सबसे पहले इस ऊपर की लेयर को निकाल देते हैं और केक को हम यहाँ 3 लेयर में काट लेते हैं। आइसिंग करने के लिए हमें व्हिप क्रीम चाहिए, तो यहाँ हम आपको व्हिप क्रीम कैसे बनाए हैं वो नहीं दिखा रहे हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है कि हाउ टू मेक व्हिप क्रीम, हैवी क्रीम से व्हिप क्रीम कैसे बनाते हैं। अगर आप पहले से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा और अगर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने केक को 3 लेयर में काट लिया है, अब हमें आइसिंग करना है। तो बोर्ड पर मैंने थोड़ी सी व्हिप क्रीम लगाई है, केक की एक लेयर को रख देते हैं और उसके ऊपर हम शुगर सिरप लगा देते हैं। तो शुगर सिर्फ पानी और चीनी का घोल होता है, आप चाहें तो इसमें पाइनएप्पल क्रश या स्ट्रॉबेरी क्रश भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने थोड़ा सा व्हिप क्रीम डाला है और ये फ्रूट कॉकटेल है, मिक्स फ्रूट कॉकटेल है, ये बिल्कुल ऑप्शनल होता है, इससे केक और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो अगर आपके पास ये है तो ज़रूर यूज़ करें, नहीं तो केवल आप व्हिप क्रीम से भी केक की आइसिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह मैंने सेकेंड लेयर को भी सेट कर लिया है, अब थर्ड लेयर रख देते हैं और इसके ऊपर शुगर सिरप लगा देते हैं। अगर आपके पास मिक्स फ्रूट कॉकटेल नहीं है तो आप क्रश का भी यूज कर सकते हैं। तो शुगर सिरप को मैंने अच्छे से लगा दिया है, अब हमें केवल व्हिप क्रीम का काम करना है, यानी हमें सबसे पहले क्रम कोटिंग करना है। क्रम कोटिंग क्या होती है, जो केक के क्रम निकलते हैं उसे सेट करने के लिए क्रीम की बहुत ही पतली लेयर केक के ऊपर लगाई जाती है, जिससे जो क्रम होते हैं वो सेट हो जाते हैं। क्रम कोटिंग मैंने कर लिया है और जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है इसे मैंने निकाल दिया है। अब इसे हमें कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है और उसके बाद ही हम फाइनल कोटिंग करेंगे। तो इसे फ्रिज में रखते हैं और तब तक हम लोग फॉन्डेंट वर्क कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने मूछ ली है क्योंकि आज हम मेंस थीम पर केक बना रहे हैं, बॉय थीम पर केक बना रहे हैं। तो मैंने ब्लैक कलर का फॉन्डेंट लिया है और थोड़ा सा मैंने डस्ट कर दिया है कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च भी इसे कुछ लोग कहते हैं। और ये देखिए इस तरह की मैंने कटिंग रखी है मूछ की और इसे अब हम इस फॉन्डेंट पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है कि फॉन्डेंट के बेसिक रूल क्या होते हैं तो आप जाकर दे सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो बस इस तरह हम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसे हम कट कर लेंगे। इस समय आपको कुछ बातों का बिल्कुल ध्यान देना है कि आपको बहुत ज़्यादा पतला इसे नहीं रखना है, हल्का सा मोटा ही रखिएगा। कोई भी आप इस तरह के
थीम केक बना रहे हैं यानी फॉन्डेंट वर्क करने वाले हैं, तो इसे आपको थोड़ी देर के लिए एसी वाले रूम में रखना है, और अगर एसी नहीं है तो 24 घंटे के लिए आप इसे बाहर रखिएगा जिससे ये हार्ड हो जाएगा। तो अब मैंने इस तरह का जिगजैग नोजल लिया है, बहुत बारीक वाला नोजल है। नंबर नहीं लिखा है तो सॉरी मैं नंबर नहीं बता सकती हूँ। मैंने सेट वाला लिया था डिब्बा नोजल का, उसमें ये नोजल था। तो अब मैंने ब्लू कलर की व्हिप क्रीम ली है, यानी व्हिप क्रीम में मैंने लाइट ब्लू कलर ऐड किया है और इस तरह की हम डिज़ाइन बना रहे हैं, और ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारी लगती है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ मैं पूरे केक पे इस तरह की डिज़ाइन बना रही हूँ। वैसे इससे बॉर्डर बनाया जाता है और फ्लावर बनाए जाते हैं, पर ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारी लगेगी, तो आप इस बार ज़रूर ट्राई करें। वैसे आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। मैंने यहाँ मैन थीम पर केक बनाया है, यानी बॉय थीम पर ये केक है, इसलिए मैंने ब्लू कलर से व्हिप क्रीम यूज़ किया है, यानी केक को डेकोरेट किया है। और ये देखिए पूरी डिज़ाइन बहुत ही प्यारी लग रही है, केक को कवर कर दिया है। अब इसके ऊपर हम सिल्वर डस्ट कर देते हैं जिससे ये केक बहुत शाइन करेगा। अगर आपने मार्केट का केक देखा होगा और अगर आप ऑर्डर लेते होंगे तो आप इसे ज़रूर यूज़ करिएगा, बिल्कुल मार्केट जैसा लुक आता है केक का। तो एक बार फिर से मैंने रेड कलर का फोंडेन लिया है क्योंकि अब हमें टाई बनानी है। तो क्या करना है, फोंडेन को लंबा बेलना है, और मैंने यहाँ कॉर्नफ्लावर का यूज़ किया है जिससे ये बिल्कुल भी चिपके ना। जहाँ भी आप लोग फोंडेंट का वर्क कर रहे हैं सरफेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। वैसे इसका मैट आता है, आप मैट यूज़ कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, फोंडेंट को लंबा बेलना है, जिस कलर का आपको टाई बनाना है वो कलर का फोंडेंट यूज़ कर सकते हैं। फोंडेंट में कलर ऐड करके वाइट फोंडेंट में आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, या कलरफुल फोंडेंट भी आते हैं उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आप वीडियो में देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ किस तरह टाई बनाई है। तो सबसे पहले मैंने लंबा बेलकर टाई का जो ये लंबा वाला पार्ट होता है उसे बना लिया है, और ऊपर की अब हम नॉट बना रहे हैं। यहाँ मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगी। अगर आप सेमी फोंडेंट वर्क कर रहे हैं, यानी व्हिप क्रीम के ऊपर थोड़ा सा फोंडेंट वर्क कर रहे हैं, तो फोंडेंट का जो भी आप करेक्टर यानी इस तरह की थीम बना रहे हैं उसे आप पहले ही बनाकर रख लें। एसी के रूम में रख सकते हैं 1 से 2 घंटे के लिए, या पहले ही आप बना लें 24 घंटा पहले या 12 घंटे पहले, और उसके बाद आप इसे व्हिप क्रीम के ऊपर रखें जिससे ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ मैंने टाई पर हल्का सा कॉपर का कलर कर दिया है जिससे ये बिल्कुल बहुत ही प्यारी सी शाइनिंग वाली टाई बन चुकी है। और अब हमें इसे रखना है केक के ऊपर। तो सबसे पहले मैं मूछ रख रही हूँ, आप किसी भी तरह से सेट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल कड़ा हो गया है क्योंकि मैंने इसे 1 घंटे के लिए रख दिया था एसी के रूम में। टाई को सेट कर देते हैं, और यहाँ मैंने एक बहुत ही प्यारी सी पेन बनाई है जिसे मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। मैं बस ऐसी कोशिश कर रही थी और ये पेन बन गई, बहुत ही प्यारी बनी है। कभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ये पेन कैसे बनी है, तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको जानना है कि नहीं। और ये केक मैंने स्पेशल एक मेरे भैया हैं उनके लिए मैंने बनाया है, तो ये हैप्पी बर्थडे का टैग है, और छोटे छोटे ये गोल गोल जो बॉल्स हैं चॉकलेट वाले इसे डाल देते हैं, और इसके बाद उनका नाम है आशीष, तो आशीष टैग लगा देते हैं, और ये जो बर्थडे केक है ये बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ हम आपको दो चीज़ें फटाफट बता देते हैं। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और रेनी सीज़न है, मानसून का सीज़न है, तो फोंडेंट मेल्ट होने लगता है यानी गीला गीला सा हो जाता है, तो आप एसी वाला रूम यूज़ करें या उस समय फोंडेंट वर्क ना करें। और दूसरी चीज़ कि बनने के बाद, केक बनने के बाद आपको इसे कहाँ रखना है, एसी के रूम में रखना है या आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, पर वहाँ यानी फ्रिज का जो कूलिंग होता है उसे कम कर दें, यानी 1 पे कर दें, और उसके बाद आप रखें। तो यहाँ जो बहुत ही प्यारा सा केक है ये बिल्कुल तैयार है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी, ये केक कैसा लगा, और आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो एक बार फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक लिए थैंक यू एंड टेक केयर।